आखिर महाभारत के 16 साल बाद क्यों मिलने आई कर्ण की आत्मा पांडवों से? महाभारत काल में एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं ने जन्म लिया था और महाभारत के विनाशकारी युद्ध में सूर्य पुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य या सभी शक्तिशाली योद्धा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, जो कि अकेले ही पूरे महाभारत को जीतने की क्षमता रखते थे। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सभी की मृत्यु हुई और सूर्य पुत्र कर्ण, जो पांडवों के बड़े भाई थे, वह अर्जुन के हाथों मारे गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो महाभारत युद्ध के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा मिलने आई पांडवों से, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य पुत्र कर्ण के इस रहस्य के बारे में। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद युधिष्ठिर धर्मपूर्वक राज्य कर रहे थे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य दूसरे काम करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सभी धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति और धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति हमेशा देश भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र से कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह दिया करते थे जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस तरह से पांडवों के साथ धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती को रहते 16 वर्ष बीत गए थे। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए उन्हें बहुत समय हो गया है, अब उन्हें वन में प्रस्थान करना चाहिए। गांधारी ने वन में जाने की सहमति दे दी, लेकिन सिर्फ गांधारी ही नहीं बल्कि उनके साथ कुंती, विदुर व संजय भी वन में जाने के लिए निर्णय किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उन्हें वन जाने की सारी बात कही। पहले तो युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर भी मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व माता गांधारी के साथ में माता कुंती, विदुर व संजय भी वन में जा रहे हैं, तो वह और भी ज्यादा दुखी हुए। धृतराष्ट्र ने बताया कि वह कार्तिक माह की पूर्णिमा को वन के लिए प्रस्थान करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन भी मांगा था, जिस पर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बहुत सारा धन देकर श्राद्ध कर्म पूर्ण करवाया। निर्धारित समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय ने वन के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र व सभी लोगों ने पहली रात गंगा के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। वहां उन्होंने वेद व्यास से वन की दीक्षा लेकर सभी सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वनवास में रहते हुए धृतराष्ट्र तपस्या करने लगे, जिससे उनके शरीर का मांस सूख गया और उनके सर पर लंबी लंबी जटाएं आ गईं, और रोजाना ही वह तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी, कुंती तप में लीन रहने लगे। विदुर व संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या करते रहते। इन्हें वन में रहते हुए एक वर्ष से अधिक बीत गया था। इधर राजा युधिष्ठिर के मन में एक दिन आया कि वन में रह रहे अपने परिजनों से मुलाकात की जाए। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों व द्रौपदी के साथ में अपने परिजनों से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर और सभी पांडव भाई और द्रौपदी, स्वयं माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय सभी पांडव
वह द्रौपदी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरी रात वहीं वन में बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में ऋषि वेदव्यास आए और ऋषि वेदव्यास जी ने पूरा दिन उनके साथ व्यतीत किया। वहीं ऋषि वेदव्यास धृतराष्ट्र को बार बार देखकर चिंतित महसूस कर रहे थे, इसीलिए वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। बहुत समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी एवं माता कुंती तपस्या में लीन थे, इस वजह से उनके शरीर में कई सारी शक्तियां जागृत हो गई थी और वेदव्यास भी उन्हें देखकर समझ गए थे कि वे सभी अपने मृत परिजनों को देखना चाहते हैं और इसीलिए वेदव्यास ने उनसे उनकी इच्छा पूछी थी। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती अपने मृत पुत्रों को देखना चाहते थे। इसके अलावा स्वयं द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को देखना चाहती थी। इसके बाद महर्षि ने कहा, ऐसा ही होगा, जितने भी युद्ध में मारे गए वीर हैं उन्हें आज रात तुम सब देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने उन सबको गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्र हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने के बाद ऋषि वेदव्यास ने गंगा जी में प्रवेश किया और फिर युद्ध में मारे गए सभी का आवाहन भी किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महर्षि वेदव्यास के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वहां थोड़ी ही देर में कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, द्रौपदी के सभी पुत्र, घटोत्कच, राजा द्रुपद, शकुनी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि सभी वीर जल से एक एक करके बाहर आने लगे और उन सभी के मन में किसी प्रकार का भी अहंकार और क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र भी प्रदान किए और अपने मित्र परिजनों को देखकर सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। पूरी रात अपने परिजनों के साथ बिताकर सबके मन में संतोष हुआ। वही कहते हैं, कर्ण भी अपने पांचों भाई पांडवों और माता कुंती से मिले और इस तरह से अपने भाइयों, पतियों, अपने सभी मित्रों से मिलकर सभी का दुख दूर हो गया। तो इस तरह से युद्ध के 16 वर्षों बाद स्वयं कर्ण अपने भाई पांडवों व कुंती से मिलने के लिए आए थे।